आ रहा है कि मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज एनी फिजिकल डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन वेदर इट इज लार्ज आर स्मॉल एंड स्टोर्स इट टेम्परेरली आर परमानेंटली। कंप्यूटर की जो स्टोरी सॉरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो किस्म की होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, जिसे हम ज़्यादातर रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जब तक वो डेटा चला रहे हैं, आप जब तक उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, वो रैम आपको उसका आउटपुट भी दिखा रही होती है, उसका डिस्प्ले भी दिखा रही होती है और आपके डेटा को अपने पास उसने स्टोर किया होता है। अगर आप उस सिस्टम को ऑफ कर दें या उस प्रोग्राम को बंद कर दें तो वो रैम की मेमोरी से हट जाता है, दोबारा वो चीज़ नहीं आती। लेकिन अगर आप उस डेटा को सेव कर देते हैं तो वो डेटा कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है, स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। ठीक है, फिर वो आपके पास आप उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है आपके पास परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी क्या होती है, एक आपके पास एक चीज़ आती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपने जब कंप्यूटर स्टार्ट किया, ये डेल के कंप्यूटर हैं, सामने आपके डेल लिखा आ जाता है और आपके सामने वो ऑप्शंस आ जाते हैं कि जी F1 प्रेस करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिवाइसेस को चेक करना, साउंड्स को चेक करना, वीजे को चेंज करना, डिस्प्ले को चेक करना, ये सारा बायोस का काम होता है। बायोस कहाँ पर रखा जाता है, बायोस रखा जाता है रोम के अंदर। किसके अंदर, रोम के अंदर, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है वो उसे आप इरेज नहीं कर सकते, उसके अंदर एक बार फीड कर देते हैं, वो छोटी सी चिप होती है आपके बोर्ड के अंदर फिक्स होती है, आपका बायोस उसमें रखा होता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही बंद करेंगे तो जो बायोस की सेटिंग है आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते या उससे कोई चीज़ आप निकाल नहीं सकते, इसलिए उसको परमानेंट मेमोरी में शुमार किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। यह है जी आपका चार्ट, बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, वन बिट बाइनरी डिजिट सिंगल वन आर जीरो, एक बिट एक जीरो एक बिट कहलाता है और ये एक वन एक बिट कहलाता है। ठीक है, अगर ये चार यानी कि आधा कोर जो बनता है तो इसे हम निबल कहते हैं। क्या कहते हैं, निबल, फोर बिट्स आधा कोर। जब ये पूरी बाइट बनती है ऑक्टेट तो ये क्या कहलाती है, एट बिट्स, एट करेक्टर इज इक्वल टू वन बाइट, वन करेक्टर इज इक्वल टू वन बिट एंड एट बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट। ठीक है, एक बाइट बनती है। अब 1024 बाइट्स जब बनती हैं तो क्या बनता है, 1 KB KB, क्या बनता है, 1024 बाइट्स का 1 KB यानी कि KB बनता है। इसी तरीके से 1024 KB का 1 MB बनता है। क्या बनता है, मेगाबाइट। ठीक है, जिसे MB कहते हैं। और 1024 MB का क्या बनता है, GB, गीगाबाइट। 1024 GB का क्या बनता है, टेराबाइट, TB। ठीक है, 1024 TB का क्या बनता है, पेटाबाइट। हमारा पाकिस्तान अभी TB तक पहुंचा है, आगे नहीं गया है, आगे बहुत बड़ी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, पेटाबाइट, पेटाबाइट यानी कि 1024 TB तब जाके पेटाबाइट बनता है। और 1024 TB से क्या बनता है, एग्जाबाइट। 1024 एग्जाबाइट से क्या बनता है, जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट से क्या बनता है, योटाबाइट। ठीक है, ये यहाँ से वायर नहीं लिखा है, गलत लिख दिया। तो ये एक चार्ट है। अब